रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लेसन सिक्स लैंड फॉर्म्स कीवर्ड्स फर्टाइल वाटरफॉल फ्रूट लेडन प्लेटू इरीगेटेड बैरन रीड एंड शेयर ही कास्ट फर्मली एम्बेडेड माउंटेन्स ऑन द अर्थ सो इट वुड नॉट मूव अंडर यू एंड रिवर्स एंड पाथवेज सो दैट होपफुली यू वुड बी गाइडेड सूरह अन्नहल If we go on a long trip in Pakistan, we see that landforms are not the same everywhere. अगर हम long trip पर जाएँ पाकिस्तान के तो हम देखेंगे कि land trip are not the same anywhere. Landforms जो हैं यानी जो ज़मीनी इलाके हैं एक होता है पानी का इलाका जो समंदर होते हैं और एक होता है दरिया lakes and this and that. तो एक होता है landforms are not the same everywhere. At some places snow covered mountain peaks are found. कहीं पर जो पहाड़ होते हैं वो बर्फ़ से ढके हुए होते हैं नज़र आते हैं At other places there are fertile plains while some places are covered with sandy desert kahin pe plains fertile plains yani khet khaliyan nazar aate hain aur kahin pe desert ya pahadi ilake nazar sahara nazar aate hain desert sahara ko kehte hain sahara kahan hote hain jahan mitti mitti hoti hai we also say see coastal areas along the sea coastal areas kaun se hote hain jo samandar ke kinare zameen hoti hai usko coastal areas kehte hain we see also coastal areas along the sea these are all physical features of pakistan These are all physical features of Pakistan. देखिए पाकिस्तान का मैप है और यहाँ मैप की में आप देखें कि ये जो दरख्त बने हुए हैं ये प्लेन है और जो नुक्ते नुक्ते बने हुए डॉट डॉट बने हुए हैं ये डेजर्ट है और ये जो ट्राइंगल बना हुआ है ये माउंटेन है और जो फ्लैट सरफेस है वो प्लेटू है और जो कर्व्ड ब्लू कलर का है वो दैट इज़ रिवर वी ऑल्सो सी कोस्टल एरियाज अलॉन्ग द सी दीज आर स्मॉल फिजिकल फीचर्स ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान माउंटेन रेंजेस इंक्लूडिंग द कराकरम हिमालयस एंड हिंदूकश बूस्ट सम ऑफ द टॉलेस्ट पीक्स इन द वर्ल्ड दीज आर ऑल फिज़िकल फीचर्स ऑफ पाकिस्तान ये सारे फिज़िकल फ़ीचर्स हैं पाकिस्तान के फिज़िकल फ़ीचर्स का क्या मतलब होता है कि जो हमें देखते हैं हम जो हमें नज़र आते हैं पाकिस्तान माउंटेन रेंजेस इंक्लूडिंग पाकिस्तान के पहाड़ी सिलसिले कौन कौन से हैं कराकरम हिमालयस एंड हिंदूकश बूस्ट सम ऑफ द टॉलेस्ट पीक इन द वर्ल्ड जो कि दुनिया में सबसे ऊँची पहाड़ी सिलसिले तसव्वुर किए जाते हैं मोस्ट ऑफ द खैबर पख्तूनख्वा एंड गिलगित बल्तिस्तान इज़ कवर्ड विद माउंटेन मोस्ट ऑफ़ द खैबर पख्तूनख्वा का जो इलाका है खैबर का जो इलाका है और गिलगित बल्तिस्तान इज़ कवर्ड विद माउंटेन रेंजेस लुक एट द मैप ऑफ पाकिस्तान ये जो गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है ये कि माउंटेन से भरा हुआ है लुक एट द मैप ऑफ पाकिस्तान कैन यू लोकेट माउंटेन रेंजेस ऑन द मैप क्या आप देख सकते हैं कि पहाड़ी सिलसिले आपको नज़र आ रहे हैं पाकिस्तान के यू कैन वेरी वेल सी ऑन द मैप There are many beautiful valleys within these mountains ranges. There ये जो पहाड़ होते हैं इनके बीच में जो जगह होती है उसको वैली कहते हैं वैली जो होती है वादी होती है उर्दू में उसको वादी कहते हैं इस तरह से there are many beautiful valleys within these mountain ranges. These valleys are full of beautiful views of waterfalls, cold lakes. ये जो valleys होती हैं इसमें waterfalls यानी आबशार होती हैं cold lakes होती हैं ठंडे पानी की नहरें होती हैं slopes covered with beautiful flowers जो इसके slopes होते हैं जैसे जो पहाड़ से उतरते हैं तो slopes होते हैं तो वो beautiful flowers से arranged होते हैं and trees full of fruit laden branches. branches and trees full of fruit laden branches means के जो दरख्त होते हैं वो फलों से भरे हुए होते हैं हंजा गिलगित एंड कागान वैलीज आर कंसिडर्ड द मोस्ट ब्यूटिफुल वैलीज़ इन द वर्ल्ड हंजा गिलगित एंड कागान वैलीज़ हंजा गिलगित एंड कागान वैलीज़ आर कंसिडर्ड द मोस्ट ब्यूटिफुल वैलीज़ इन द वर्ल्ड ये जो हंजा गिलगित और कागान वैलीज़ हैं वादियाँ हैं वादियाँ अभी मैंने आपको क्या बताया कि पहाड़ों के बीच में जो जगह होती है उसको कहते हैं ये ब्यूटिफुल वैलीज़ ऑफ वर्ल्ड हैं इन द वर्ल्ड हैं यू सी द ग्राफ इन द पिक्चर इफ़ वी गो टू फर्दर ऑन वी फाइंड सम एरियाज़ विद हाई बट फ्लैट लैंड इस तरह से हम जब फर्दर आगे जाएंगे तो हम ऐसे एरियाज़ देखेंगे जहाँ फ्लैट लैंड होती है यानी कि ज़मीन होती है तो ज़मीन को हम क्या कहते हैं प्लेटूज़ द फेमस प्लेटूज़ ऑफ पाकिस्तान आर द पोटोहार प्लेटू द फेमस प्लेटू कौन सा है पाकिस्तान का पोटोहार एंड द बलोचिस्तान प्लेटू देर आर टू फेमस प्लेटू ऑफ द पाकिस्तान पोटोहार एंड बलोचिस्तान प्लेटू कैन यू फाइंड
दीज टू प्लेटूज ऑन द मैप, क्या आप ये जो दो प्लेटू हैं मैप में आप नज़र आ रहे हैं? नो वी कांट सी, वी जस्ट सी ओनली द प्लेटू. वी कैन ऑल्सो सी मैनी ग्रीन फील्ड्स, ये देखें ये आपको ग्रीन फील्ड्स नज़र आ रही हैं. ग्रीन फील्ड्स क्या होती हैं? खेत खलियान. एंड प्लेन एरियाज वेयर सॉइल इज़ फर्टाइल एंड टू ग्रो क्रॉप्स. मोस्ट ऑफ द पंजाब एंड सिंध कंसिस्ट ऑफ प्लेन एरियाज. मोस्ट ऑफ द पंजाब एंड सिंध कंसिस्ट ऑफ प्लेन एरियाज. लाइक मानचर इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन पाकिस्तान. इट इज़ लोकेटेड इन सिंध. मानचर लेक, मानचर इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन पाकिस्तान. इट इज़ लोकेटेड इन सिंध. सिंध में मानचर लेक है, ये सबसे मशहूर ये नहर है. लुक एट द मैप टू सी प्लेन एरियाज. आप मैप में प्लेन एरियाज़ को देखेंगे तो आपको नज़र आएगा एक एरिया है उसको, दैट इज़ प्लेन एरिया. यू कैन वेरी वेल सी ऑन द मैप, इन द मैप. दीज एरियाज आर इरीगेटेड बाई 5 मेन रिवर्स. ये जो प्लेन एरियाज हैं ये 5 रिवर्स फ्लोइंग अक्रॉस दीज प्लेन एरियाज. दीज एरियाज आर इरीगेटेड, यानी इनको 5 जगहों से पानी मिलता है. ये 5 रिवर्स जो हैं फॉलोइंग अक्रॉस दीज प्लेन एरियाज. देयर नेम्स आर द इंडस, चिनाब, जेहलम, रावी एंड सतलज. देयर नेम्स ऑफ द 5 रिवर्स, पाकिस्तान के 5 मशहूर दरिया कौन से हैं? चिनाब, जेहलम, रावी एंड सतलज. इंडस, चिनाब, जेहलम, रावी एंड सतलज. द इंडस इज द लॉन्गर रिवर ऑफ पाकिस्तान. इंडस रिवर या दरिया सिंध जो है पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया है. कैन यू लोकेट द 5 रिवर्स ऑन द मैप? क्या आप मैप में 5 रिवर्स देख सकते हैं? यू सी दीज 4 रिवर्स जॉइन द रिवर इंडस. दीज 4 रिवर्स जॉइन द रिवर इंडस विच डिस्चार्ज इन टू द अरेबियन सी. यानी बहिरा अरब हमारा सबसे बड़ा दरिया है, समंदर है, उसमें ये 5 दरिया यूनाइट होते हैं और फिर उसके बाद डिस्चार्ज होते हैं. इट इज़ लोकेटेड टू द साउथ ऑफ पाकिस्तान. इट इज़ लोकेटेड टू द साउथ ऑफ पाकिस्तान. कहाँ पे है ये? पाकिस्तान के जनूब में. पाकिस्तान्स लार्जेस्ट आइलैंड एस्टोला इज़ फाउंड इन द अरेबियन सी. पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा आइलैंड है जो कि दो दरियाओं के बीच में जगह होती है, अभी हमने पहले दो पहाड़ों के बीच में जगह पड़ी थी, अब हम दो दरिया के बीच में जगह पड़ रहे हैं, वो कहाँ पे होता है? फाउंड इन द अरेबियन सी. डेजर्ट आर ऑल्सो अ सिग्निफिकेंट लैंडफॉर्म ऑफ पाकिस्तान. डेजर्ट्स आर ऑल्सो अ सिग्निफिकेंट लैंडफॉर्म ऑफ पाकिस्तान. यानी कि सहरा जो हैं वो पाकिस्तान के सबसे बड़े लैंडफॉर्म हैं. द थल थर चुलिस्तान एंड खारान. थल थर चुलिस्तान एंड खारान आर द मेन डेजर्ट्स ऑफ पाकिस्तान. पाकिस्तान के 4 बड़े सहरा कौन से हैं? थल थर चुलिस्तान एंड खारान. ओके, दीज एरियाज़ आर बैरन विच रिसीव वेरी लिटिल रेनफॉल. ये जो एरिया है बिल्कुल सहरा हैं, बैरन, विच रिसीव वेरी लिटिल रेनफॉल, जिनमें बहुत कम बारिश होती है. जाहिर सी बात है जब मिट्टी होगी और दरिया कम होंगे तो बारिश कम होती है, तभी ऐसा है. द लार्जेस्ट डेजर्ट इन पाकिस्तान इज़ द थल डेजर्ट. द लार्जेस्ट डेजर्ट इन पाकिस्तान इज़ द थल डेजर्ट. कैन यू फाइंड डेजर्ट एरियाज ऑन द मैप? द थल डेजर्ट, द लार्जेस्ट डेजर्ट इन पाकिस्तान इज़ द, सबसे बड़ा सहरा कौन सा है? थल डेजर्ट. कैन यू फाइंड डेजर्ट एरियाज ऑन द मैप? क्या आप सहरा जो हैं वो मैप में देख सकते हैं? देखें आप, ये घोड़े नज़र आ रहे हैं, ये ऊँट नज़र आ रहे हैं. तो जो ऊँट का जहाँ पर पानी पी रहे हैं दैट इज़ सहरा या डेजर्ट. रीकैप, द लैंड ऑफ पाकिस्तान इज़ नॉट द सेम. इट कंसिस्ट ऑफ मैनी लैंड फॉर्म्स. पाकिस्तान की जो ज़मीन है वो हर जगह सेम नहीं है. इट कंसिस्ट ऑफ मैनी लैंड फॉर्म्स, ये बहुत सारी लैंड फॉर्म बनाती है. माउंटेन, हिल्स, वैलीज, प्लेटूज, प्लेन्स एंड डेजर्ट टुगेदर मेक अप द लैंड फॉर्म ऑफ पाकिस्तान. पाकिस्तान में माउंटेन्स हैं, हिल्स हैं, वैलीज हैं, प्लेटूज हैं, प्लेन्स हैं एंड डेजर्ट्स टुगेदर मेक अप द लैंड फॉर्म ऑफ पाकिस्तान. माउंटेन्स, हिल्स, वैलीज, प्लेटूज, प्लेन्स एंड डेजर्ट्स टुगेदर, यानी कि पहाड़, छोटे पहाड़, वैलीज, वादियाँ, प्लेटूज, प्लेन एरिया, प्लेन्स एंड डेजर्ट और सहरा मिलकर पाकिस्तान का ज़मीनी इलाका बनाते हैं. ज़मीनी इलाका क्या होता है? जो ज़मीन होती है जहाँ पानी नहीं होता. एक पानी का इलाका होता है जैसे समंदर, दरिया, और एक ज़मीन का इलाका होता है. द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट माउंटेन रेंज इज़ द एंडस इन द साउथ, एंडस इन द साउथ अमेरिका. पाकिस्तान का सबसे बड़ा पहाड़ी सिलसिला, पाकिस्तान ने पूरी दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ी सिलसिला साउथ अमेरिका में एंडस के नाम से है.
It is about 7,000 किलोमीटर लॉन्ग. It is about 7,000 किलोमीटर लॉन्ग. ये तकरीबन 7,000 किलोमीटर लंबा है. ठीक, दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर. ओके.